आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट की बात करेंगे दोस्तों, भूदान मूवमेंट यानी कि लैंड गिफ्ट्स। भारत की आजादी के बाद दो मूवमेंट जो सबसे बड़े साबित हुए और स्टार्ट हुए और बहुत ही जरूरी थे उस समय, एक था सर्वोदय और दूसरा भूदान। दोनों मूवमेंट्स की बात करेंगे। पहले हम भूदान मूवमेंट्स की बात करेंगे। और ये जो आप चेहरा देख रहे हैं दोस्तों, ये हम सबके टीचर्स हैं। जय जगत का नारा देने वाले महात्मा गांधी के सक्सेसर, फिलोसोफर, टीचर, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, आचार्य विनोबा भावे। जी हां, आचार्य सर ने ही इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, विनोबा भावे सर ने भी, और इसको अपने मुकाम तक पहुंचाया। हालांकि बाद में ये मूवमेंट फेड हुआ, वो हम सारी चीजें देखेंगे। काफी लंबा मूवमेंट था दोस्तों, 20 साल तक ये चला था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लैंड होती है और उसको मैनेज करना, आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, उसको इन्होंने किस तरह से टैकल किया और क्या मूवमेंट था, सारी चीजें देखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। सिटेंडस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। आप यहां पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम्स को कवर किया दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम्स के जो कोर्सेज हैं वो प्रोसेस में है, जैसे कि आईएएस के कुछ ऑप्शनल कोर्स, यूजीसी नेट के नए कोर्स, वो बहुत ही जल्दी आपको बता दिया जाएगा जैसे ही वो बन के तैयार होंगे। तब तक आप इन सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, और घर बैठे अपनी ड्रीम जॉब को निकालिए। नंबर्स पे कॉल कीजिए, वेबसाइट विजिट करिए। अब ये मूवमेंट क्या था दोस्तों, भूदान या जिसको ग्रामदान मूवमेंट भी कहते हैं, ये बेसिकली लैंड गिफ्ट मूवमेंट था। यहां पे अपील की गई थी बड़े बड़े जमींदारों से, जमींदार, जमीन के मालिक, बड़े बड़े लैंड ओनर से, कि अपना कुछ परसेंटेज जो है आप दान कर दीजिए, उन लोगों को दान कर दीजिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। एक प्रॉपर एम रखा गया था, ऑब्जेक्टिव की, एम्स की हम सब बात करेंगे अभी, और उस हिसाब से इन्होंने लैंड को इस मूवमेंट को इंप्लीमेंट किया। अब दोस्तों अगर आचार्य विनोबा भावे की बात करें तो इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1895 को हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 1982 नवंबर 1982 को हुई थी। जैसा कि मैंने बताया, तेलंगाना में जन्मे थे ये, और महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आचार्य विनोबा भावे जी की मैं बायोग्राफी कवर कर दूंगा सेपरेटली। गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उन्होंने गांधी जी की एक स्पीच सुनी थी, उसके बाद उन्होंने सारे सर्टिफिकेट्स को जला दिए थे और बोला था कि अब मैं तो देश की सेवा के लिए जिंदगी भर तक देश के लिए ही काम करूंगा। लाइफ टाइम उन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी, सेलिबेसी की वो ले ली थी कि हमेशा वो एक सेलिब्रेट रहेंगे, और उसके बाद गांधी जी के शिष्य बन गए थे। गांधी जी को मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया था फिर, कि गांधी जी का ही मैं हमेशा बन के रहूंगा। 1948 के बाद जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, गांधी जी की हत्या की गई थी, उसके बाद आचार्य विनोबा भावे जी को सक्सेसर माना जाता था गांधी जी के, कि यही है सक्सेसर, नेशनल टीचर। इनकी राइटिंग्स ने तो कमाल कर दिया है दोस्तों, इनकी बुक्स ने इतना गजब एक तरह से रेवोल्यूशन किया था, आइडियाज का रेवोल्यूशन चला दिया था। जी हाँ, तो आचार्य विनोबा भावे का जो स्थान है ना, वो बहुत ऊपर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल रहते थे, पैदल जाते थे, नंगे पैर घूमते थे हर जगह, और सोसाइटी के लिए काम करते थे, ठीक है। तो सोशल लीडर थे। अब दोस्तों अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये सब कुछ स्टार्ट होता है आंध्रा में, जी हाँ, तेलंगाना जिले में, जो इस समय तेलंगाना है, वहां पे स्टार्ट होता है। दोस्तों हुआ क्या था, आपको पता ही है कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, किसको नहीं पता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, भारत तो बस एक छोटा सा बच्चा था, जस्ट उसका जन्म हुआ था, उसको सस्टेन करना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये जरूरी था। अब उस समय प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी कि हर कोई गरीबी की चपेट में था, ठीक है। 5 करोड़ लैंडलेस पेजेंट्स थे उस समय, वो लोग थे जिनके पास कोई जमीन नहीं थी, कुछ बहुत अमीर लोगों के पास जमीन थी। अब वो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उस हिसाब से सब कुछ चल रहा था, तो उनके पास पूरी जमीन थी। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने जो जमींदार थे, उस समय बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, ठीक है, छोटे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी करते थे, उनकी जमीन भी हड़प लेते थे। तो ऐसा करते 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 काफी लोगों के पास, काफी जो वेल्दी लोग थे उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, ठीक है, और बहुत जो गरीब थे उनके पास कुछ नहीं था। तो ये जो मूवमेंट है ये यहीं से ही स्टार्ट होता है। अब दोस्तों क्या है कि 1950 में के अराउंड आपको पता ही है चाइना का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि माओ ज़ेडोंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत जाएगी, वहां पे हो गया था। माओ ज़ेडोंग की बायोग्राफी को मैंने सेपरेटली कवर किया है, पता चल जाएगा आपको सब कुछ। तो वहां पे क्या हो गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी।
तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट जो कि एपी सेंटर था कम्युनिज्म का, वहां पे लैंड ओनर्स के खिलाफ मूवमेंट चालू हो गया। अब दोस्तों चाइना में क्या हुआ था, माओजेडोंग के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, याद होगा आपको, लैंड ओनर्स को घर से बाहर निकाल के पीटा गया था, मारा गया था, बहुत लोगों को तो मार डाला गया था जान से, क्योंकि वहां पे तो सीधा ये पॉलिसी थी कि अब जमीन जो है वो गरीबों की है, जितने सालों से जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं अब उनको सारी जमीनें मिलेगी, तो वहां पे तो ये वॉयलेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। भारत में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के नालगोंडा में ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है लैंड ओनर्स के खिलाफ स्टार्ट हो गया कि अब हमको जो है जमीन चाहिए, अब हम और एक्सप्लॉइटेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीनवाइल आचार्य विनोबा भावे भी यहाँ पे घूम रहे थे, यहाँ पे जर्नी कर रहे थे, वो बहुत बड़ा नाम थे उस समय फ्रीडम मूवमेंट में, बहुत बड़ा नाम आचार्य विनोबा भावे भर के उभर के आए थे, मतलब ठीक है एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर के आए थे, यह सक्सेसर समझा जाता था महात्मा गांधी को, बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद जहां पे भी जाते थे लोग झुक के, क्योंकि नेशनल क्योंकि टीचर तो थे ही, ठीक है आचार्य थे, ठीक है टीचर तो थे ही, तो हर कोई झुक के प्रणाम करता था। तो जब ये डिस्ट्रिक्ट में गए 700 फैमिलीज ने इनका वार्मली वेलकम किया, वहां पे बहुत सारी फैमिलीज थी। हरिजन्स ने ये बोला, गांधी जी जो लोअर कम्युनिटी के लोग थे उनको हरिजन बोलते थे, भगवान के लोग, ठीक है। तो हरिजन्स ने ये बोला कि सर हमको 40 फैमिली के लिए 80 एकड़ जमीन चाहिए। दोस्तों अगर एकड़ की बात करें तो एक एकड़ लगभग 4046 स्क्वायर मीटर्स होता है, मतलब एक फुटबॉल का स्टेडियम मान लीजिए, एक फुटबॉल का स्टेडियम हालांकि डेढ़ एकड़ से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पे आप एक एकड़ जो फुटबॉल का स्टेडियम होता है, जो टेनिस कोर्ट होता है, वो एक एकड़ के बराबर होता है। तो आचार्य विनोबा भावे जी जब वहां पे गए तो वहां के जो हरिजन थे उन्होंने बोला कि सबके लिए कम से कम 80 एकड़ जमीन हो 40 फैमिली के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, अगर वो मर जाएंगे क्या करेंगे। तो वहां पे एक लैंड ओनर रामचंद्र रेड्डी जो कि बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं मैं तुम लोगों को 100 एकड़ दूंगा। उन्होंने पहला मूवमेंट ये किया था, ये पहला इनिशिएटिव था रामचंद्र रेड्डी द्वारा जो लिया गया था लोगों के लिए, पेजेंट्स के लिए लैंडलेस, उन्होंने 100 एकड़ दान दिया। अब ये जो दान था, यहां पे आचार्य विनोबा भावे ने सोचा कि ये जो दान दिया है रामचंद्र रेड्डी ने, इसको अब मैं एक मूवमेंट बना सकता हूं। तब यहां से इनकी एक सोच डेवलप हुई कि एज अ मूवमेंट इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और मैं हर उस लैंड ओनर से ये अपील कर सकता हूं जिसके पास बहुत सारे लैंड पड़े हुए हैं कि वो उन लोगों को जमीन दान करे जिनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि दोस्तों 5 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अरे भारत की जो पॉपुलेशन है, मतलब सबसे पहले चाइना की पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बाद भारत की है, कितनी 135 करोड़ लगभग हो गई, सेंसस आना बाकी है हालांकि, उसके बाद फिर अमेरिका आ जाता है 32 करोड़ पे, फिर पाकिस्तान, बहुत कहने का मतलब ये है दोस्तों 5 करोड़ बहुत देशों की पॉपुलेशन होती है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा था। तो अब क्या होता है कि इसके बाद कम से कम उनके पास जमीन तो हो जिसपे वो खेती कर सके, लेकिन कोई भी नामो निशान नहीं था, तो ये चीज थी। तो इस मूवमेंट के लिए उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हर किसी को जो भी वेल्दी है वो लैंड को दान करे, ठीक है। कंचन दान, ऋषि खेती, इन सारा सबका नारा दिया गया, इन सबका साथ लिया गया, ये आचार्य विनोबा भावे का सोचना था। और उसके बाद ये मूवमेंट जो है 18 अप्रैल 1951 को स्टार्ट होता है। 1951 से लेकर 57 तक तो ये बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से चला। 3 मिलियन एकड़, 30 लाख एकड़ जमीन तक आ गई थी, लेकिन उसके बाद 57 के बाद ये मूवमेंट जो है वो ढलना शुरू हो गया, और 1969 के बाद तो ये पूरी तरह से फिर खत्म ही हो गया। लगे 20 साल तक इन्होंने बहुत ही अच्छे से भारत भ्रमण किया आचार्य विनोबा भावे, और सबसे यही बोलते थे कि लैंड को दान करिए। अब अगर दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ठीक है, तो वैसे तो ये पूरा मूवमेंट पीसफुल था, इसमें कोई भी वायलेंस नहीं था। कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट जो थे वो बहुत ज्यादा वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आचार्य विनोबा भावे ने बड़े पीसफुल मैनर से ये मूवमेंट को कंडक्ट किया। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी उस समय दोस्तों, सब बहुत ज्यादा गरीब थे, इक्वालिटी का तो नामो निशान नहीं था, एक बहुत अमीर और दूसरा हद से ज्यादा गरीब, लोगों के पास खाने तक को पैसे नहीं थे। तो अब खाने के पैसे, अरे उस समय ना कोई इंडस्ट्रीज थी, ना कोई प्राइवेट सेक्टर था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चारा है, आपकी जमीन, उस पर खेती करो। तो जमीन ही नहीं थी लोगों के पास, तो वो खाएंगे क्या,
तो ये सोशल इक्वालिटी को, ये जो पूरी अनइक्वालिटी है इसको बैलेंस करो ये चीज करके। दूसरा, इन्होंने थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव दिए थे। सबसे पहले पावर जो है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होगी, विलेज टू विलेज इनको राइट ज्यादा होंगे, विलेजेस को राइट ज्यादा होंगे इस मैटर में। दूसरी चीज कि हर किसी का लैंड पे राइट होगा। अरे दोस्तों यहां क्या होता है ना, दान की अगर बात की जाए तो लोग घर के बाहर गाड़ी तक नहीं खड़ी होने देते हैं, और ये भूदान बहुत बड़ी बात हो गई। तो लोगों को कन्विंस करना, चाहे वो जितना भी अमीर हो लेकिन पैसा खर्चने में हर कोई इंसान एक बार सोचता है, अगर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होगा तो वो सोचेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं। तो हर किसी को कन्विंस करना इतना आसान नहीं था। तो यहां पर इनकी मांग थी कि जो जो भी जिनको भी दान मिल रहा है, मतलब जो भी लैंड ले रहे हैं, उनको उनके पास पूरा राइट होना चाहिए, और उसके बाद वेजेस के उसमें भी इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये पूरे थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स थे। और उसके बाद फिर आचार्य विनोबा भावे जो हैं वो फिर भारत भ्रमण स्टार्ट करते हैं, हर किसी से ये अपील करते हैं और बहुत सारे लोग दान कर देते हैं। तभी तो ये 4 मिलियन 1969 खत्म होते होते 4,040,000 एकड़ जो था ना वो पास में आ गया था। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। इतना अगर जमीन का दान हुआ है तो कमाल की बात है। तो 40 लाख एकड़, जैसा कि मैंने बताया, एक एकड़ एक पूरा फुटबॉल का स्टेडियम या फिर एक टेनिस कोर्ट, ठीक है। तो इतना बड़ा आंकड़ा है तो ये सीधा सीधा गरीबों को जाना चाहिए, और उनको मिला भी, ठीक है। तो हर फैमिली को कम से कम 5 एकड़ तो मिलना चाहिए, और उसके बाद फिर वो जो एकड़ है वो उनके फैमिली मेंबर्स में भी डिवाइड होना चाहिए, ताकि कोई भूखा ना रहे, हर कोई अच्छे से। तो ये सबसे अब यहां पर हर किसी ने, यहां पर जिनके पास बहुत एक्सेसिव लैंड थे उन्होंने दान दिए, ठीक है। इसमें निजाम ने दान दिया 14,000 करोड़, निजाम ऑफ हैदराबाद ने दान दिया, राजा बहादुर, राजा रंका और हमारे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह तक ने यहां पे दान दिया था। तो जिनके पास लैंड थे वो सारे के सारे जो मतलब एक्सेस लैंड थे उन्होंने दान में दिए। दोस्तों एडवांटेजेस क्या हुए, सबसे बड़ी चीज लैंडलेस लेबरर, जिनके पास कुछ भी नहीं था उनको कुछ मिला कम से कम। जैसा कि मैंने बताया, घर चलाने के लिए आपको जमीन चाहिए, आप उस पर खेती करिए। अच्छा एक चीज और है यहां पे, देखिए हर चीज का कानून होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पे दान मिल रहा है तो सबसे बड़ी चीज है उसका भी कोई ना कोई कानून बनाना होगा ना, तो भूदान एक्ट भी बनाया गया था। अब दोस्तों इसमें ना आपको जो दान मिल रहा है वो आपके पास ही रहेगा, आप ऐसा नहीं कि उसको बेच दे। पता चला कि मान लीजिए कि मेरी फ्री जमीन है, मैंने आपको दान में दी और आपने उसको फिर 10 लाख में बेच दी, ये नहीं होगा। आपको जो दान मिल रहा है, जो जमीन मिल रही है आपको, उसको आप खेती के लिए इस्तेमाल करेंगे, बस ये चीज ध्यान में रखिए। तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट ने, फिर उसके बाद काफी प्रोविंसेस ने ये भूदान एक्ट भी बनाई, ये कानून बनाया, ठीक है, ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज इसने सबसे पहले क्या, लैंडलेस जितने भी लोग थे जिनके पास लैंड नहीं था ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उसके बाद जब जमीन बढ़ी, जमीन का दान बढ़ा, तो जो लैंड कल्टीवेट नहीं होता था, जो फालतू पड़ा हुआ था, वो भी कल्टीवेशन में आया। अब दोस्तों आप कल्टीवेट, कोई इंसान खेती कब करेगा, जब उसके पास जमीन होगी। अब दोस्तों यहां पे चीज है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई चीज फालतू पड़ी है और वो आपके यूज की है, ठीक है, लेकिन वो फालतू है, तो जब तक मैं आपको नहीं दूंगा तब तक वो चीज यूज में थोड़ी ना आएगी, तो फालतू है। तो बहुत ऐसा लैंड जो था वो फालतू पड़ा हुआ था वो यूज में आ गया, उसको कल्टीवेट करना। और अल्टीमेटली ये सारी चीजें भारत को भी इफेक्ट कर रही है ना, भारत की जीडीपी को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है भैया। 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अभी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन हालांकि जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 18% ही है जीडीपी में। खैर उसके अलग रीजंस है, फिलहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा और वो फिर आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो लैंड कल्टीवेट नहीं हुआ था उसको सीधा लेके आना कि उसको कल्टीवेट करो। उसके बाद फिर टैक्स में काफी रिबेट मिली, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों जो एक्सप्लॉयटेशन होता था ना बड़े बड़े जमींदारों का, जमींदार क्या करते थे दोस्तों कि यहां पे जैसे मान लीजिए कि किसी किसान को पैसे की जरूरत है। अब देखिए बैंक उस समय थे नहीं, नेशनलाइजेशन किधर हुआ था, तो वो कहां पे जाता था, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, बड़े अमीर अमीर जमींदार होते थे, उनके पास पैसे लेने जाता था। तो जमींदार क्या बोलते थे कि ठीक है मैं तुमको पैसे दे रहा हूं, लेकिन तुम मुझे इस इंटरेस्ट पे इस टाइम पे पैसे वापस कर देना। अब वो बेचारा गरीब किसान, उसके पास खाने को पैसे नहीं, वो कहां से पैसे वापस करेगा। तो ये जमींदार क्या करते थे, उसकी जो छोटी छोटी जमीन होती थी वो हड़प लेते थे और पूरे परिवार को एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये चीज ना
सालों सालों तक चली। नील दर्पण पढ़ी कि नहीं आपने, जरा पढ़ लीजिएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कोशिश करूंगा मैं नील दर्पण का एक मतलब उसका रिव्यू ले आऊं, वो एक बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी गई थी। किसने लिखी थी वैसे, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका रिव्यू लेके मैं बहुत जल्द आऊंगा, वादा आपसे। ठीक है, तो यहां पे जो एक्सप्लॉयटेशन होता था जमींदार का, पूरी तरह से तो नहीं, अभी भी होता है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक ये कम हुआ। अब डिसएडवांटेजेस पे दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, आचार्य विनोबा भावे ने यहां पे डायरेक्टली अमीर लैंड ओनर्स से बोला, उन्होंने इनडायरेक्टली ये जितने जो गरीब थे उनसे अपील की थी, डायरेक्टली यहां पे रिच से बोला, तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा, वो कनेक्टिविटी नहीं आ पाई। दूसरी चीज ये थी, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है ना कि अरे घर के बाहर अगर गाड़ी खड़ी हो जाए तब तो लोग बोलते हैं हटाओ हटाओ गाड़ी यहाँ से, तो कहाँ से कोई लैंड दान करेगा। ये जमीन की बात है दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ी, जितनी बड़ी जमीन दान करना ही आसान बात है। अब क्या है ना, बहुत सारे ऐसे लैंड थे जो सीधा स्क्रूटिनी के अंदर थे, जो पहली बात तो जिनको कब्जा किया गया था, जिनको छीना गया था, अगर उनके ऊपर केस चलते ना तो ये लोग धरे जाते, तो इसलिए इनकी कोई इच्छा नहीं थी। इन्होंने बोला कि ये लैंड विवादास्पद है, ये जमीन विवादों में है, तो इसको दान करना ही बेटर रहेगा। तो एक ये भी एंगल आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज, ये मूवमेंट बहुत सालों तक चला था और काफी स्लो रहा था, तो इस कारण इतना ज्यादा पेशेंट नहीं था ना, अगर पेशेंस तो था नहीं, मतलब पेशेंट बोल गया, इतना ज्यादा पेशेंस नहीं था। अब दोस्तों क्या है कि अगर आपको पैसे की एक महीने बाद जरूरत है तो आप उसका क्या 10 साल तक वेट करेंगे, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज था। लेकिन दोस्तों जो भी है, ये मूवमेंट ने कमाल किया, क्योंकि बहुत सारी जमीन जो है ना वो सीधा उन लोगों के पास पहुंची। 1969 आते आते तक 4 मिलियन एकड़, 40 लाख एकड़ इकट्ठे हो गए थे, और ये उन लोगों को दान की गई थी जिनके पास कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगला सर्वोदय मूवमेंट में मैं कवर करूंगा, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत तक नहीं उतरी। साइनिंग ऑफ एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।